इस टूर्नामेंट का आनंद लेना चाहते हैं वो उस संबंधित स्थान में जाकर खेल का आनंद ले सकते हैं या खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आयोजित होने वाले फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। तो पहला कॉर्नर किक मिलता हुआ तिरिंगबुरा के लिए, तिरिंगबुरु समझ लीजिए, तिरिंगबुरु सफेद रंग वाले पोशाक पर। और इस तरह पहला कॉर्नर किक बैट से जाता हुआ नीले रंग वाले पोशाक पर सनी ब्रदर्स की टीम और तिरिंगबुरु की टीम सफेद रंग वाले पोशाक पर फर्स्ट हाफ का खेल शुरुआती क्षण का खेल चलता हुआ काफी मजबूत स्थिति में यहाँ से नजर आती है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, खेल फिर से शुरू होता हुआ। और दर्शक याद रखे कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन और टूर्नामेंट जो कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित की जाती है, जो कि पिछले लगभग 52 वर्षों से आयोजित की जा रही है, उसका अंतिम दिन होगा। दर्शकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर कल यानी अंतिम दिन का जो खेल होगा उसका भरपूर आनंद लें। फिलहाल तो फर्स्ट हाफ का खेल बराबरी पर चलता हुआ, दोनों टीम बराबरी पर चल रहे हैं। तिरिंगबुरु वर्सेस सनी एंड सनी के बीच समझ लीजिए सनी ब्रदर्स है। और यहाँ अश्वाली ब्रदर्स का एक प्रयास पर वहाँ रक्षा पंक्ति तिरिंगबुरु का उसके प्रयास को विफल करते हुए सुंदर खेल का प्रदर्शन दोनों टीमों के बीच समझ लीजिए फर्स्ट हाफ का खेल चल रहा है, पर दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के भर तक कोशिश में प्रतिद्वंदी को ये जताना अति आवश्यक है कि सावधान है वरना मैं आ रहा हूँ। और उसी तरह पर दोनों के लिए खेल का प्रदर्शन करते हुए अब लगभग अप डाउन की स्थिति है, जहाँ एक और श्री गुरु के खिलाड़ी दबाव बनाने की कोशिश, वही इस पर शनि भगत का भी दबाव बनाने के प्रयास पर दोनों ही टीमों के रक्षा पंक्ति काफी मजबूत दबाव को आसानी से झेलते हुए काफी दूर से लिया गया प्रयास सीधे गोलकीपर के हाथों में, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। बेहतरीन खेल पूरी तरह से साफ सुथरी खेल कही जा सकती है। अपने साथी खिलाड़ियों का पूरी तरह सम्मान देते हुए दोनों टीमें आगे बढ़ते हुए अगले राउंड में प्रवेश करने की भरपूर कोशिश और काफी संभल संभल कर खेल का प्रदर्शन भी देखने को मिलता हुआ यहाँ दोनों ही टीमों की ओर से। अच्छा माइनस बहुत ही बेहतरीन माइनस पर वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, पहला प्रयास शनि ब्रदर्स की ओर से। और इस तरह ये फिर से तिरिंगबुरु की ओर से प्रयास पर वहाँ रक्षा पंक्ति मौजूद खेल के दरमियान शुरुआती खेल में दोनों टीमें
बराबरी बन जाए पर अच्छा नजारा यहाँ देखने को मिलता हुआ दोनों ही टीमों का रणनीति लगभग एक समान दोनों टीमें जहाँ एक और अपने प्रतिद्वंदी का जो आक्रमण है उसे विफल करने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही साथ अपने विपक्ष के ऊपर आक्रमण करने की भी रणनीति पर चल रहे हैं इस तरह बैटिंग से अच्छा मौका यह बन सकता है शनी भगवत के लिए नियंत्रण से बाहर और परिणाम स्वरूप गेंद जो है गोल पोस्ट से ऊपर से जाती है कमेटी के सदस्य गेंद पर ध्यान रखेंगे फर्स्ट हाफ का खेल और अब तक दोनों टीमें बराबरी पर चलते हैं सेकंड राउंड का अंतिम मुकाबला है इसके बाद थर्ड राउंड का पहला मुकाबला होगा फिलहाल तो फर्स्ट हाफ का खेल बराबरी पर चलता हुआ दर्शक जन कृपया ध्यान दें गुड़ा के जनक भी जहाँ कहते हो मंच के पास आने का चर्च करें उनके साथी यहाँ मंच में इंतजार कर रहे हैं गुड़ा के जनक भी जहाँ कहते हो मंच के पास आने का चर्च करें उनके साथी यहाँ मंच के पास इंतजार कर रहे हैं फिलहाल तो सनी भगत राइट आउट से मुंह बुलाने की कोशिश में पार्थिव मुंह बन सकता था और यहाँ सुनील बुरा सुंदर खेल का नजारा यहाँ देखने को मिलता हुआ दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर संभल संभल कर आक्रमण कर रहे हैं और उतने ही संभल कर उनके रक्षा पंक्ति भी अपने प्रतिद्वंदियों का मुकाबला कर रहे हैं फिलहाल इसी के परिणाम है कि दोनों टीमें बराबरी पर चल रहे हैं फर्स्ट का खेल इस बार शनि भगत को भी बैट आउट से पर वह रक्षा पंक्ति का पहला गोल आता हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों टीम में काफी समर समर कर और फिर रणनीति के तहत खेल रही है और इस बार थोड़ा भारी पड़ता हुआ शनि भगत के लिए परिणाम स्वरूप एक शून्य की भर और जिस तरह का खेल देखने को भी मिल रहा है निश्चित रूप से लोग वापसी करेंगे ऐसे यहाँ से खेलने भी काफी समय बाकी है सुंदर खेल देखने को मिलेगा निश्चित रूप से दर्शकों को एक चुन के आगे चलते हुए सही भगत को भी और निश्चित रूप से यहाँ वापसी कर पाएंगे ऐसा मेरा अनुमान है श्री गुरु की फिलहाल तो फर्स्ट हाफ का ही खेल चल रहा है सेकेंड हाफ का खेल बाकी है देख रहे हैं बाकी जो समय बची है उसमें कौन सी टीम बाजी मारती है हालांकि खेल बहुत ही बैटिंग तरीके से चलता हुआ दोनों टीमें लगभग एक समान खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं हालांकि ऐश्वर्य के बाद यहाँ शनि भगत तो मिल चुकी है पर अच्छा तालमेल के ये नतीजा है और यहाँ एक बार फिर से अपने साथी टीम कप्तान चलाएंगे मंच पर सौरभ गोप आपको बुलाएंगे बड़े भी एरे के बाहर से गेंद को गदर देने की कोशिश की गई थी गोलकीपर के द्वारा उसी के परिणाम स्वरूप मुख्य रेफरी के माध्यम से चेतावनी भी आता हुआ और जितने भी और बेहतर मौका को मिलता हुआ फर्स्ट हाफ का खेल एक शून्य के बदल हासिल करते हुए सफेद रंग वाली फूल भाग वाली पोशाक पर
मेहनत करने के लिए मौका बन सकता है शरीर के लिए अपने बल को और मजबूत करने के लिए लगी फर्स्ट हाफ का खेल है फर्स्ट हाफ में अगर आप सेकंड समझ लीजिए जो सूर्य की बढ़त मिली है तो ये अच्छी बढ़त चल जाएगी और ये जीत नहीं जा सकते बढ़त तो मजबूत चल जा सकते हैं इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इधर चल प्रणाम के चले आएंगे रमेश बालमुत्र और सोमनाथ बालमुत्र इधर चले आएंगे हमारे एकदम शुभचिंतक था एक्सपोर्टर भी करते हैं हम लोग को इसलिए हम चाहेंगे कि उनका सम्मान करते हुए इधर चले आएंगे रमेश बालमुत्र और सोमनाथ बालमुत्र कौन पार्ट है स्विंग एंड टाइक ना पैटर्न पर ऐसे बिजली को मिला फिर गुरु की ओर से ये छोटे पिछड़े पर उनके मनोबल में किसी तरह का कोई कमी नजर नहीं आता हुआ जिससे दूसरे उनका प्रयास है कि इस बड़क को कम किया जाए ताकि वो मैच में वापसी कर सके और इस मैच को अपने पक्ष में भी कर सके इसी कड़ी में और इस मिशन के साथ ही मध्यांतर की घोषणा मध्यांतर का इसलिए अगले मैच के लिए कोलंबस ग्रुप मिशिया इन दोनों ही टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को लेकर मैच के पास चले हैं फिलहाल सेकंड आपका खेल नेक्स्ट के बाद सभी बदस्तों और यहाँ दोनों टीमों का प्रयास जहाँ एक और सही बदस्त अपने एक सौ को दो सौ में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं स्प्रिंग गुरु की टीम गेम में वापसी करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं हालांकि फर्स्ट हाफ के खेल के दरमियान एक अच्छा अवसर बना था स्प्रिंग गुरु के लिए पर कामयाबी नहीं हो पाई फिलहाल खुश है सिंगल में फिर वापस की आवश्यकता है यहाँ अच्छा माइनस का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं हाथों में गेम जाता हुआ वजह से मना पड़ सकता है पर
अच्छा पंचो फिर भूल के तो कल जल को क्लियर करते हो अलम बगी है मुंह बनाने की कोशिश फिर भूल के चलाए हुए द्वारा और उस पर आपको भी विफल करते हुए सही बदस्त हो अच्छा पंचो इस तरह एक्शन की अब तक बहुत यानी बदस्त हो और इस खेल के बाद कोलंबस ग्रुप निशिया वर्सेस ब्लू ब्लड नोरा दोनों टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को लेकर मंच के पास चले हैं अच्छा साफ सुथरा खेल का प्रदर्शन यह देखने को मिलता हुआ ठेकेदार का खेल चलता हुआ अब तक दोनों टीमों में से किसी भी तरह का जो रफ खेल खेली जा जाती है वो देखने को नहीं मिलता हुआ इस तरह बेहतरीन खेल दोनों टीमों के द्वारा देखने को मिलता हुआ अंदर सबसे आमतौर पर ऐसी साफ सुथरा जो खेल होता है उस तरह का खेल देखने की उम्मीद लगाए रहते हैं एक खेल के बाद सभी सदस्य काफी लंबा पास लेफ्ट आउट के लिए वहाँ खिलाड़ी मौजूद थे और बहुत हासिल कर सकते हैं पर यहाँ हैंड बॉल का इशारा आता हुआ इस तरह ये सेकंड और चांसी मुकाबला दो समझ लीजिए एक शून्य के बाद और इस खेल के बाद कोलंबस ग्रुप निशिया वर्सेस ब्लू ब्लड नोरा इन दोनों ही टीम के कप्तान अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर मंच के पास आने का कितना अच्छा मौका बन सकता है बेहतरीन मौका बन सकता था यहाँ एक और मौका यहाँ गवाते हैं खिलाड़ी
अंदर दाखिल करेंगे पूरा और सर समझे सर बल्लत की होते काफी जो लिया जाएगा कॉर्नर से इस तरह दोनों ही टीम एक एक की बराबरी पर चल रहे हैं लेकिन आपका खेल चलता हुआ कुछ समय अभी बाकी है दोनों टीमों के लिए ताकि वो गोल के माध्यम से अगले राउंड में प्रवेश कर सके कमेटी में संपर्क कर रही है कोलंबस ग्रुप लिस्टर की टीम मैदान मंच के पास पहुंच चुकी है इसलिए पुलिस जोरदार के टीम कप्तान से भी अनुरोध है कि अपने खिलाड़ी को लेकर मंच के पास चले आए अगले कोलंबस ग्रुप लिस्टर की टीम मंच के पास पहुंच चुकी है नोर्दा के भी टीम कप्तान से अनुरोध है कि अपने खिलाड़ी को लेकर मंच के पास आने का कष्ट करें खिलाड़ी यहाँ सेकेंड बॉल का अंतिम मुकाबला एक की बराबरी बहुत ही बदल अंतिम मौका साबित हो सकता है सही बदल के लिए दो एक की बढ़त लेने के लिए लेफ्ट से मुंह बनाने की कोशिश आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा बराबरी पर कुछ समय भी बाकी है मिस्टेक पर वापस गेंद में नियंत्रण रखते हुए गेंद को खेलने से मौका बना सकते हैं सभी प्रकार के खिलाड़ी अंतिम खेल है इस मौके को गंवाना उनके लिए थोड़ा काफी महंगा साबित हो सकता है मौके का सही तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे इस तरह दोनों के लिए एक एक की बराबरी पर चल रहे और इस खेल के बाद आप देखेंगे कोलंबस ग्रुप एशिया वर्सेस ब्लू ब्लड नूरवा के बीच दोनों के में मैदान मैच के पास पहुंच चुके हैं और इस खेल का आंखों देखा हाल विवरण आपके समक्ष रखने के लिए मैं मेरे बेहतरीन साथी कमेंटेटर बिरबल ग्रुप जी से अनुरोध करूंगा कि अगले मैच के लिए तैयार है फिलहाल तो बराबरी पर चल रहे इंटरन जगह बाटी दो जन लतार
हेलो नमस्ते जी, जो रोमांचक खेल था वो बड़ी इतना अच्छा।